मॉर्निंग भाई ज्योत्सना, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग मीनाक्षी. देखिए कैसे ना, देखते ही देखते पूरा साल बीत गया 2021. आज आखिरी दिन है और कल है, कल से 2022 की शुरुआत होगी. नया साथ साल, साथ. नया साल, नया दिन और नई खुशियां लेकर आने वाला है 2022. और साथ साथ सिर्फ हमारा नहीं, साथ साथ आपके भी ये साल पूरा बीत गया. नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी जोशी. नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना पाटनी. देखते ही देखते 2021 भी बीत ही गया, वही हम चर्चा कर रहे थे. और कुछ ही घंटों में 2022 का आगाज हो जाएगा, जो लेकर आएगा नई खुशी, नया जोश. बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन नए साल के इस जश्न को कोरोना ने फीका कर दिया है. इंडिया हो या फिर इंग्लैंड, फ्रांस हो या फिर नीदरलैंड्स, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर हर जगह लग गया है बैन. आपने ठीक कहा, दिल्ली में येलो अलर्ट अनाउंस हो चुका है. सिनेमा हॉल हो, मल्टीप्लेक्स हो, बंद हैं. बार रेस्तरा में भी 50% कैपेसिटी के साथ ही इन्हें खोला जा रहा है. और तो और, देश के 10 राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है. बिल्कुल सही कहा. अब डेल्टा, ओमिक्रॉन और इनका जो संगम है डेलीक्रॉन, ये जो वायरस है बार बार अपना रंग बदल रहे हैं, बार बार लोगों को परेशान कर रहे हैं. अब देखिए, पिछले 2 साल में कोरोना ने हमें ये तो बहुत अच्छे से समझा दिया है मीनाक्षी, कि फिटनेस और इम्यूनिटी स्ट्रांग होना कितना जरूरी है. तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए, अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं निकाला तो लाइफस्टाइल डिजीज आपको, आपकी खुशी पर ग्रहण लगा सकती है. किसी ने सही कहा है, जान है तो जहान है. इसलिए आप और मैं तो अपने जीवन में योग को शामिल कर ही चुके हैं ज्योत्सना, और उसके बाद जो अच्छे बदलाव आए हैं वो आपको, मुझे तो महसूस होते ही हैं, और हमारे जो करीबी हैं उन्हें भी साफ दिखाई देते हैं. बिल्कुल मीनाक्षी, पिछले 19 महीनों की बात करें तो पिछले 19 महीनों से इंडिया टीवी की यही कोशिश रही है कि पूरा इंडिया हमारे साथ एक सुर में योग करे और इससे होने वाले फायदों को भी महसूस करे. तो अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने योग की शुरुआत नहीं की है, जिसकी चर्चा हम अपने फेसबुक लाइव में भी कर रहे थे, और आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने योग की शुरुआत नहीं की है, सिर्फ घर पर बैठकर शो देखते हैं और खुद योग नहीं करते हैं, तो आज 2021 के आखिरी दिन ये संकल्प लीजिए कि आप रोज हमारे साथ योग करेंगे. सुबह नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, शाम को 4:30 बजे करेंगे. लेकिन योग तो करने से ही होगा, और योग सिखाने वाले गुरु अगर स्वामी रामदेव हैं तो फिर कहना ही क्या, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में घर घर तक पहुंचाया है, आपके जीवन का हिस्सा बनाया है. और उनका रेजोल्यूशन है, प्रण है, कि जब तक योग हम सभी के जीवन में शामिल नहीं हो जाएगा तब तक ये मिशन, योग का मिशन रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, अनवरत जारी रहेगा. योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं. स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि आप इस रेजोल्यूशन को आगे बढ़ा रहे हैं इंडिया टीवी के साथ मिलकर. स्वामी जी, आपके संकल्प के साथ देखिए एक और साल पूरा होने वाला है. और आपको भी मीनाक्षी बहन, ज्योत्सना जी, प्रणाम. स्वामी जी, आप दोनों ने ना योग की एक नई मिशाल खड़ी की है, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, और करोड़ों माँ बहन बेटियां यंगस्टर्स उससे इंस्पायर हुए हैं कि देखो ये अपनी एंकरिंग भी करती हैं, अपना योग भी करती हैं, और अपने जीवन को बहुत सलीके से जीती हैं. तो हमें भी इनकी तरह ही यंग रहना है, हैप्पीनेस के साथ लाइफ को जीना है. और ये सूर्य नमस्कार, ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन आदि अब तो सब करने लगे हैं. ये मेरे बाईं तरफ आप जिसको देख रहे हो, कपिल भाई माइक में बताने जरा क्या हाल हो गया था कोरोना के बाद. इसकी पत्नी माइक में, दीक्षा ने जो इधर ही बैठी हुई है उसने प्रेरित किया. इधर आ जाओ दीक्षा, कि जो है क्या कितना हो गया था शुगर. नमस्कार मीनाक्षी जी. नमस्ते, नमस्ते. मेरा शुगर, दोनों साथ में आज कोविड में 550 शुगर पहुंच गया था. 550 जी. और इंसुलिन, इंसुलिन 40 यूनिट लगने लग गए थे 3 टाइम. 40 यूनिट इंसुलिन और शुगर इतना हाई कि उससे कुछ भी हो सकता था. और शुगर पहुंचने का रीजन था स्टेरॉइड मेरे को लगे थे. हाँ, कोरोना और कोरोना के बाद स्टीरॉइड, शुगर बढ़ गया. और बीपी भी तो हुआ था पहले. बीपी मेरा 5 साल पहले हुआ था, वो ठीक कर लिया. तो 5 साल पहले डॉक्टरों ने बोला कि अब तो बीपी की दवा जिंदगी भर चलने वाली है. हाँ. मैंने भी मान लिया कि जिंदगी भर चलेगी. 3 साल तक लगातार ली. फिर जब लास्ट लॉकडाउन हुआ तो स्पेशली इंडिया टीवी का मीनाक्षी जी और स्वामी जी का प्रोग्राम देख देख के वो बीपी क्योर हो गया. अब दवाई नहीं खाते हो? जी, बीपी की दवाई बंद हो गई. बीपी क्योर कर रही है. और शुगर का क्या, 40 यूनिट इंसुलिन जो ले रहे थे, शुगर अब
उसके बाद मेडिसिन पे आ गया था योग करके, और यहाँ आने के बाद वो एलोपैथी की मेडिसिन भी बंद हो गई मेरी। चलो भाई अभिनंदन हो जाए। ये कपिल, ये ऐसे करोड़ों लोग हैं देश के अंदर, और इसकी पत्नी ने प्रेरित किया, इसलिए दीक्षा का भी अभिनंदन। ये स्वामी जी आपकी प्रेरणा से ही संभव हो पाया है। सेकेंड स्टेज में तो मैंने फेविफ्लू खाई थी, बहुत सारी मेडिसिन देते थे उस समय पे मुझे, लेकिन मैंने ना कोरोनली यूज किया और अनुलोम विलोम किया और मैंने खुद को सही कर लिया, और मेरी मुझे ब्रीथिंग नहीं ली जाती थी, श्वास नहीं ली जाती थी, मुझे लगता था मैं हॉस्पिटल तो चली गई। खाली अणु तेल, श्वासारी और कोरोनल से ठीक है, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने, और कोई कॉम्प्लिक, और मैंने अपनी फैमिली का पूरा ध्यान, पूरा काम भी किया है, और मेरी इतनी सीरियस कंडीशन थी, मुझे ब्रीथिंग नहीं करी जाती थी मुझे तो बिल्कुल। चलो बहुत आशीर्वाद दीक्षा। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं तो मतलब ये मेरा आज से मेरे आप गुरु हो और ये मेरा आश्रम है, मुझे कभी भी कुछ मेरा मन भटकेगा मैं तो यही आने वाली हूँ जिंदगी में। चलो तो, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ये तो उधर देना उसको, पंकज को। ये देखो एक पंकज बैठा है, इसके बाल उड़ गए थे कोरोना में और शुगर हो गया था 400-500। ये खास बात, ये 4 PD आई हुई है, खड़े हो जाओ सारा कुनबा। 4 PD माने दादाजी 92 साल के, वो भी योग करते हैं। दादाजी 92 साल के, एक बार जोरदार इनके लिए ताली हो जाए। और पिताजी, और ये बेटा, और ये पोते पोतियां सारे आए हुए हैं। तो 4 PD इधर से दिख रही है, 4 PD पीछे पीछे से दिखा रहे हो। हाँ चलो आगे, आगे ऐसे करो। क्या बात है स्वामी जी? कितना था स्वामी जी? मेरा 600 था जी। 600 शुगर, 27 यूनिट सुबह, 27 दोपहर में, 600 शुगर था अब, और कोरोना ऊपर से हो गया। कोरोना ऊपर से हो गया, बोला नहीं जा रहा, जितना खा रहा हूँ सब जो आप बता रहे थे बिल्कुल ऐसे कैसे ही, मैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊंगा। और बाल उड़ गए थे, बाल बिल्कुल स्वामी जी जो आप देख रहे हैं, मेरी पिताजी साक्षी हैं, पत्नी साक्षी है, और दादाजी साक्षी हैं। हाँ जी। ये बता देगी कि अब इसका शुगर का इंसुलिन बंद हो गया, शुगर ठीक हो गया, बाल आ गए, केशकांति तेल लगा रहे। चलो बैठ जाओ, जोरदार अभिनंदन स्वामी जी। और इतना ही नहीं, चलो मंडूकासन आज व्रत लेंगे सब। हाँ मैं इसी व्रत की बात कर रही थी स्वामी जी। कम से कम 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। स्वामी जी चूंकि नया साल शुरू होने वाला है और आज 2021 का ऐसे हमने कोरो, ये आखिरी दिन है, क्योंकि आप प्रण की बात कर रहे हैं, व्रत की बात कर रहे हैं, और ये आप ही की प्रेरणा है, लगातार ये योग अभ्यास घर घर तक। अब परिवार की देखिए कुछ 4 पीढ़ियां तो आप ही ने इस वक्त एक मिसाल के तौर पर दिखाई। नए रेजोल्यूशन लेने का आज संकल्प लेने का दिन है, नए साल की शुरुआत साल के इस आखिरी दिन से ही हमें कर देनी चाहिए। तो आप ये बताएं कि फिट रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए हमें क्या संकल्प लेने चाहिए, क्या रेजोल्यूशन लेने चाहिए? तो आज प्लेज ले, ओथ ले, रेजोल्यूशन ले, व्रत ले, संकल्प ले, प्रण कर ले कि जब तक प्राण रहेगा हम कम से कम 3 से 5 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो इमरजेंसी में भी करना है, चाहे गाड़ी में बैठ के ही करना पड़े, चाहे प्लेन में, ट्रेन में करना पड़े। और ये व्रत मैं पिछले 45 सालों से निभा रहा हूँ। और कम से कम मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन अभी हम कर रहे, वक्रासन, गोमुखासन, कुछ भी आसन, खड़े होकर जैसे हमने सूर्य नमस्कार किया तो कम से कम 5-10 बार सूर्य नमस्कार, 5-10 कोई भी आसन, और कम से कम 3 से 5 प्राणायाम मुझे डेली करने हैं। मुझे अपनी आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या को ठीक रखना है। सुबह उठ करके मुझे पानी पीना है, और यदि संभव हो सके तो वीट ग्रास, आंवला, एलोवेरा, गिलोई, तुलसी, नीम, हल्दी, अलग अलग गोधन, अर्क, गोखरू का काढ़ा, सर्वकल्प क्वाथ, अर्जुन क्वाथ, जो हम बताते हैं जैसे रोग के अनुसार अपने रोग को, और कुछ नहीं तो जैसे जीरा है, धनिया है, मेथी, अजवाइन, सौंफ का पानी है, अकेला धनिया के इतने फायदे हम लास्ट में बताने वाले। आप अपने फेल हुई किडनी को, जैसे आपने देखा था एक बहन अमेरिका से आई थी, उसने धनिया का पानी पी करके अपनी किडनी को ठीक कर दिया। फेल हुए लीवर को, अपनी आंतों को, अपने पाचन तंत्र को ठीक कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर सकते हैं। तो आज हम धनिया का ही चटनी, धनिया का ही जूस, धनिया की ही सब्जी भी बताने वाले। ऐसे छोटे छोटे व्रत लें कि मुझे निसर्ग के साथ जीना है, और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरा भारत ऐसे जी रहा है। आज हमारे साथ टेम्पा जी और चोंग डोलमा जी, इधर आओ दोनों। ये इसने को भी फैटी लीवर हो गया था और इसने भी अपने आप को उभार लिया। दोनों इधर आ जाओ, एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करो। आज तो नॉर्थ ईस्ट के भी रंग आपके साथ हैं। डोलमा और टेम्पा जी ये अरुणाचल से आए हैं, और बैठो, इंडिया टीवी तुम भी देखते हो उधर भी?
हाँ जी बाबा। इंडिया टीवी भी देखते, इधर आ जाओ इधर आ जाओ, घबराओ मत। हाँ, और ये देखो तुमने अभी क्या हाल है तुम्हारा डोलमा। हाँ माइक में बोलो। अभी हमारा फैटी लिवर थोड़ा ठीक है। फैटी लिवर में फायदा हो गया। ऐसे तो उस दिन गुरुजी वहाँ में हुआ था तो हम छूट गया, फिर आज आया। हाँ, तो ये डोलमा ने अपना फैटी लिवर बहुत अच्छा कर लिया। हाँ। और तुम्हारा क्या हाल है टेम्पा जी? बाबा जी, ये हम हमेशा ये इंडिया टीवी हम लोग प्रोग्राम हमेशा देखता है। देखो अरुणाचल में वहाँ तो तुम्हारी भाषा क्या है, मूल भाषा तुम्हारी? हम लोग का हिंदी ज्यादा चलता है बाबा जी। पहले बाबा जी भी हम लोग वहाँ तवांग में देखा था। हाँ, तवांग में गया था मैं। और तुम्हारी वहाँ की लोकल भाषा क्या है? वहाँ का मनपा भाषा बोलते हैं। मनपा भाषा। हेलो, तो अरुणाचल तक भी इंडिया टीवी के झंडे गाड़े हुए और तुमने क्या फायदा? और मीनाक्षी और जोशना जी का भी हमेशा हम देखते रहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और हमारा भी यहाँ हमेशा ये योग करने की वजह से मेरा बहुत काफी सुधार हुआ है। और यहाँ आने के बाद में तो मेरा और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बहुत अच्छा, दवाई बंद हो गया, कपाल भाती करो। सब दवाई बंद हो गया, कपाल भाती करो बैठे बैठे। अब देखो कपाल भाती कितने अच्छे लग रहे करते करते। उम्र कितना हो गया तुम्हारा? 55 साल का उम्र है। ये देखो मेरा हम उम्र है, अभी मेरे साथ दौड़ लगाएगा। तो जो है कपाल भाती, अनुलोम विलोम, अर्जुन से बन पाए आसन भी कर लो ऐसे। डोलमा इधर आ, पवन मुक्तासन कर। अब तुम्हारे यहाँ तो ठंड अच्छी होती है, तुम तो डरो मत। अब देखो रोज कम से कम 5 आसन करने का व्रत ले ले। अभी जिसको फैटी लीवर है तो सर्वकल्प लिवोग्रिट लिवामृत दे रहे हैं, इसको मिट्टी पट्टी लगा रहे हैं, शंख प्रक्षालन करवा दिया है। अब कपाल भाती मंडूक आसन के साथ और पवन मुक्तासन के साथ करके पूरी अच्छी हो जाएगी डोलमा। ऐसे ही रोज व्रत लेना है कि कम से कम हमको 3 से 5 आसन, 3 से 5 प्राणायाम रोज करने हैं। सुबह उठ करके उषा पान करना है, हमको अंकुरित खाने सप्ताह में कम से कम 1-2 बार, हमको नैसर्गिक फूड लेना है, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है, तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, रात को दही छाछ आदि विरुद्ध आहार का सेवन नहीं करना है, हमको खाते समय बात ज़्यादा नहीं करना है, मौन रह के खाना खाना है, खाते समय प्रसन्न रहना है। छोटी छोटी बातें ऐसे छोटे छोटे चेंज करेंगे अपने लाइफ में। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और रात को कोशिश करना है 10 बजे सो जाना है, 4-5 बजे उठ जाना है, और दिन भर अपने योग धर्म को सुबह सुबह इंडिया टीवी पर शुरू करके अपने कर्म को अपना धर्म मान करके करना है। और कभी भी कितने परिस्थिति विपरीत क्यों ना हो, घबराना नहीं है, हौसला रखना, हिम्मत रखनी है, पॉजिटिव रहना, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज डू पॉजिटिव। और कुछ नव वर्ष पर लोग ना आज विलासिता वाले लोग, गुड़छर्री उड़ाने वाले लोग आज दोनों तरफ से उठा करके, और जो कर सके तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, और जिनसे बन पाए तो सेतु बंधासन, नौकासन। कुछ लोग बीड़ी सिगरेट शराब कबाब और तमाम तरह की उल्टे पुल्टे काम करके कहते हैं हम खुशियां मना रहे हैं, नव वर्ष मना रहे हैं। तुम नव वर्ष नहीं मना रहे, तुम जो है अपना अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। तो खुशियां भी मनानी है तो अच्छे कामों के साथ मनाएं। जब ऐसे करेंगे ना तो जिंदगी अच्छी होगी, नहीं तो क्षणिक सुख तो मिलेगा, स्थायी सुख, सस्टेनेबल हेल्थ, सस्टेनेबल पीस, वेल्थ, स्थायी सुख होना चाहिए, ऐसा स्वास्थ्य होना चाहिए जो कभी छूटे नहीं आपसे। ये तो अच्छा कर लिया डोलमा ने भी। बिल्कुल स्वामी जी, पूरे 19 महीनों का जो स्टाफ ने आज दे दिया है वो छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान रखने की हमें जरूरत है, जिनसे हमारे जीवन में, हमारी सेहत में बड़े बड़े बदलाव आएंगे। स्वामी जी, क्योंकि हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, हम अच्छी सेहत की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी डायबिटीज़ है। भारत में 77 लाख से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2030 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर जाएगा। तो डायबिटीज़ को क्योर करने के एक बार फिर से हम सभी को रास्ते बताइए स्वामी जी। तो जिनको कमर में दर्द हो, शरीर कमजोर रहता हो, अकड़ा रहता हो, तो सुबह उठ करके ऐसे भुजंगासन ऐसे या ऐसे कर लेना,
और डायबिटीज के लिए जो अभी हम पवन मुक्तासन उत्तान पादासन कर रहे थे, नौकासन सेतु बंधासन, जिससे जितना बन पाए सर्वांगासन हलासन, यदि उतना भी ना हो पाए तो खाली मंडूकासन, चलो मंडूकासन करो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन ही कर ले खाली पेट। जो आप अभी सुन रहे थे पंकज से, जो सुन रहे थे आप कपिल से, और इधर क्या नाम है लास्ट वाले टोपी वाले भैया, ब्रजेश कुमार जी, कितना हो गया था शुगर? 450 शुगर ब्रजेश का, अब क्या हाल है? अब ठीक है बिल्कुल शुगर, और मैं आधा आधा घंटे खूब वो मंडूकासन करी। आधा घंटा? हाँ आधा आधा घंटे करी जी, छत पे बैठ के सारा परिवार करता था कोरोना के टाइम पर अप्रैल में हुआ था। कहाँ से हो आप? और मैं 20 दिन छुट्टी पर रहा, और इसके बाद जब ड्यूटी गया मैं अपने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड विजयपुर NFL में हूँ मैं, और वहाँ पर भी हम लोग ड्यूटी पे भी मैं करता था लगातार, और मेरे सब साथियों ने मुझे सहयोग किया। आप क्या हाल है शुगर का? शुगर ठीक है जी, अब इसलिए मैं जब से लग रहा था कि योग करा माना है मुझे, और जब से मैं नॉर्मल कर ली ये, चलो बात आशीर्वाद। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन ये करें, और मधुग्रिट मधुनाशिनी, मधुग्रिट खाने के बाद मधुनाशिनी खाली पेट, और बहुत ही शरीर बेकार हो गया हो, बॉडी रेस्पॉन्ड ही ना कर रही हो, तो मधुनाशिनी के साथ इम्यूनोग्रिट भी दो दो चार चार गोली खा ले। खीरा करेला टमाटर का जूस गिलोय। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, जिनकी 30-30, 40-40 इंसुलिन चल रही थी, डायबिटीज चाहे जेनेटिक हो, डायबिटीज चाहे लाइफस्टाइल गड़बड़ होने से हुआ हो, डायबिटीज चाहे कोरोना और वैक्सीन से अथवा स्टीराइड खा करके हुआ हो, मंडूकासन। ऐसे ही जो है शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, जिससे जितना हो पाए, योग मुद्रासन, जिससे जो बन पाए, ऐसे ये तो मंडूकासन शशकासन, और हम तो योग मुद्रासन भी कर लेते, योग मुद्रासन। अब दोनों की बॉडी तो इतनी फ्लेक्सिबल है मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपसे तो करोड़ों बहनें इंस्पायर होती। अर्ध मत्स्येन्द्रासन ऐसे या वक्रासन, दोनों में से एक कर ले, ऐसे कर ले अथवा ऐसे कर ले, तो करो करो ऐसे कर लो, ये कर लो, ऐसे घूम जाओ, वक्रासन ऐसे। तो ये पूरी तरह से डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, दवाइयों से कंट्रोल तो कर लेते हैं लेकिन इनके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लीवर पर, किडनी पर, हार्ट पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर इनके दुष्प्रभाव आते हैं। योग से हम बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, वात पित्त कफ रोग, इनके कॉम्प्लिकेशंस, डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग और ड्रग के साइड इफेक्ट से बच जाते हैं, ये है बड़ी बात। तो ऐसे जब हम योग करेंगे तो एलोपैथी में बीमारियों का कंट्रोल तो है, लाभ टेम्परेरी, नुकसान अच्छा स्वामी जी, थोड़ा सा एक बार तो मेहनत करनी पड़ती है लेकिन सस्टेनेबल हेल्थ मिलता है। और मैं तो कहती हूँ स्वामी जी, एक बार नहीं आपके साथ हर दिन मेहनत करनी है, और आपके साथ हर दिन हमें जुड़ना होगा, और हर दिन योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखना होगा, फिर चाहे वो साल 2019 हो, 20 हो, 21 हो, या अब एक नए साल का आगाज बस कुछ ही घंटों में हो जाएगा। स्वामी जी, हाइपरटेंशन भी कई बीमारियों की वजह बनता है, तो जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उनका बीपी हाई रहता है, आप उन्हें क्या योगाभ्यास सजेस्ट करेंगे कि उनका इंस्टेंट गुस्सा भी ख़त्म हो जाए और बीपी भी नॉर्मल हो जाए? एक तो जिनको गुस्सा बहुत आता है, बीपी हाई रहता है, एक तो लौकी का जूस पिए, और पित्त प्रकृति वालों को ये ज़्यादा समस्या होती है, बीपी हाई होने की भी, फिर गुस्सा आने की भी, फिर पित्त की से ही अलग चर्म रोग हो जाते, उसी से सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाते, उससे UTI की प्रॉब्लम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑक्सीडेंट डाइजेस्टिव सिस्टम उससे ख़राब हो जाता है। तो क्या करें, एक तो वो अनुलोम विलोम करें, जो हमारे टेम्पा जी भी कर रहे हैं और सारे हमारे साधक करें, करो सब भाई बहन करो, करो जी डोलमा जी, अनुलोम विलोम, ये अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी, फिर उद्गीत, ओम शीतली शीतकारी, ऐसी ये 5-5 मिनट तक करने हैं सारे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली और शीतकारी, और फिर मेधावटी खाने के बाद मुक्तावटी या बीपी ग्रेट खाली पेट ले ले, लौकी का जूस पी ले, और मेधा क्वाथ से ही, ये मेधा क्वाथ हम देते हैं ना, उसी से ही ऐसे हवन कर ले, इसको यज्ञ कुंड में ऐसे ये डाल दिया,
और उसमें थोड़ा सा ही घी डाल दिया और इससे हवन कर लें तो उससे कितना ही भयंकर बीपी हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, आजकल अलग अलग प्रकार के मनोरोग भी बहुत हो रहे हैं कोरोना के बाद, तो बीपी तो ठीक होगा ही होगा अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी से और श्वासों पर ओंकार और गायत्री का ध्यान करने से, योग यज्ञ करने से, सात्विक आहार लें, बादाम अखरोट रात को भिगो करके सुबह पीस करके ले लें, पानी कम से कम 3 लीटर पानी लिक्विड किसी न किसी रूप में ज़रूर लेना चाहिए और खाने में पहले सलाद और अंकुरित खाएं, बाद में पका हुआ खाएं, खाना चबा चबा करके खाएं, जितना हो सके रो फूड लें और जंक फूड, फास्ट फूड और जितना भी हैवी फूड, हेल्दी फूड लें, न्यूट्रिशियस फूड लें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो बीपी तो ठीक होगा ही होगा, हमारी ज़िंदगी बहुत सुहानी होगी, 100 साल तक बूढ़ा नहीं होना, ज्योत्सना जी को भी, मीनाक्षी जी को भी, स्वामी रामदेव को भी और इधर जो है डोलमा तुमको भी 100 साल तक ऐसे रहना। तो ये है योग की महिमा मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि योग अभ्यास प्राणायाम के जरिए सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रह सकती है। और नए साल पर स्वामी जी फिट रहने की बात हो रही है तो ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपने लंग्स को कैसे हेल्दी बनाए रखें, वो भी ऐसे समय में जब कोरोना की एक और वेव आ सकती है, इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो स्वामी जी, कोरोना ने लोगों के फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुँचाया, अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो कोरोना से रिकवर तो हो गए लेकिन 50% ही उनके लंग्स काम कर रहे हैं, तो अब लंग्स के लिए योगाभ्यास प्राणायाम समझाएं। तो एक तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करें जो शो में बताया, फिर ये ऐसे भी कर सकते हैं, ये भस्त्रिका ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे करें, उष्ट्रासन करें, उष्ट्रासन और भुजंगासन करें, गोमुखासन करें, अणु तेल नाक में डालें, श्वासारी गोल्ड खाली पेट ले लें, श्वासारी बटी या श्वासारी क्वाथ ले लें, श्वासारी प्रवाही ले लें, खाने के बाद लक्ष्मी लाल संजीवनी या करक्यूमिन गोल्ड या कोरोनेली खा लें, उसमें तो अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि उससे सारे बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज से बच जाते हैं और फेफड़ा फोलादी बन जाता है। तो ये उष्ट्रासन, भुजंगासन और ये गोमुखासन कर लें, तो भस्त्रिका और ये 2-3 आसन कर लिए, और जहाँ तक हो सके थोड़े दिनों तक जिनको ज़्यादा ही कफ कोल्ड अस्थमा है तो द्राक्ष और खजूर ज़्यादा खाएं और चने की रोटी खाएं, चना उसको पीस करके उसी की रोटी खाएं, बाकी तली भुनी चीज़ें सब बंद कर दें, जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए और दिव्य पे उबाल करके पी लें तो बात ही क्या है। तो बातें छोटी छोटी सी, ज़्यादा है तो थोड़ा सा दिव्य धारा से स्टीम ले लें, अथवा ये पतंजलि जो बाम है, ये पतंजलि बाम और जो दिव्य धारा हम बोलते हैं इससे तो स्टीम ले लें दिव्य धारा से और पतंजलि बाम की लपेट लगा लें ऐसे ही यहाँ पर फेफड़े के ऊपर, और फेफड़े के ऊपर ये लपेट लगाने से एकदम से इतना फायदा होता है, जैसे ही लगाई ऐसे ही इसको फेफड़े पर ऐसे लगा देते हैं, ऐसे ये लगाई ऐसे गले में फेफड़े में और इसी को सूंघ भी लिया और ऐसे और एकदम से फेफड़ा भला चंगा हो जाता है, एकदम करंट आ जाता है फेफड़े के अंदर, छोटी छोटी बातें इनका ध्यान रखेंगे, और गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक का जो काढ़ा बताते हैं, दूध में हल्दी, सिलाजी और च्यवनप्राश, च्यवन प्रभा, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये इनका सेवन करके हम बड़े बड़े रोगों को ढा सकते हैं। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, क्योंकि स्वामी जी हम बात कर रहे हैं बीमारियों की, उन्हें दूर भगाने की और जीवन में छोटे बदलाव करके बड़ा फ़ायदा पाने की, तो इम्यूनिटी की अगर बात की जाए, इम्यूनिटी वीक तो बीमारी का रिस्क ज़्यादा, ऐसे में फिट रहने का सिंपल फॉर्मूला है इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना। स्वामी जी, तो वो 4 रामबाण योगाभ्यास भी बताइए जिन्हें रेगुलर करने से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकें और अपना रेजोल्यूशन भी स्ट्रांग कर सकें, साथ ही शरीर हमारा इम्यूनिटी के साथ फौलादी बने, और साथ ही स्वामी जी आयुर्वेदिक उपाय भी बता दीजिए। तो देखो जी, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम फास्ट करें थोड़ा सा, देखो ऐसे जिनको बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, कमर में दर्द हो, ऐसा नहीं करना, कपालभाति भी, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और जो है सूर्य नमस्कार, अथवा चलो डोल में ऐसे करके देखो, भुजंगासन करो, तुम भुजंगासन करो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, सब करो भुजंगासन, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, चलो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी,
आप भी अब सिंहासन अब उतर जाओ, सामान्य आसन में आ जाओ। ऐसे दोनों इतनी मजबूत हो गई हो, देखो आपको देख देख के अब डोलमा भी लगा रही है। ऐसे ऐसे करो डोलमा, ऐसे करो ये। और दूध में हल्दी सिलाजी च्यवनप्राश ले, गिलोय का काढ़ा पिए, गिलोय की गोली खा ले। और ये इम्यूनोग्रिट जबरदस्त है, ये तो रामबाण है इम्यूनोग्रिट। और इम्यूनोग्रिट गोल्ड भी अब तो हमने तैयार कर दिया है, अब इम्यूनोग्रिट गोल्ड जो है जबरदस्त आ गया है। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ इम्यूनोग्रिट गोल्ड ऐसे। अब छोटी छोटी बातें, अश्वगंधा है, शतावर है, सफेद मूसली है, कोच के बीज है, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। ऐसे किया भुजंगासन अथवा ऐसे ही 25-50-100 बार 200 बार हम तो ऐसे, और लंबे लंबे श्वासों के साथ हम तो एक ही बार में ऐसे 50-100 बार ऐसे कर लेते, इम्यूनिटी सुपर इम्यूनिटी हो जाती है। लंबे लंबे श्वास ऐसे। नेचुरल घी, गाय का घी, चलो बटरफ्लाई करो, गाय का घी, सरसों का तेल, तिल का तेल, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, नेचुरल मसाले, नेचुरल आटा दलिया, नेचुरल जो लाइफस्टाइल है ना, ये इम्यूनिटी को अच्छा रखती है। प्रकृति के साथ जिए, ठंडे पानी से नहाएं, और बहुत ज़्यादा कमज़ोर प्रकृति है, बहुत ज़्यादा अस्थमा कफ कोल्ड है, तो थोड़े गुनगुने पानी से, ज़्यादा गर्म पानी से भी ना नहाएं। छोटे सुबह उठ करके 3 पत्ते तुलसी के खा लिए, और जिनको ये सुलभ नहीं होता तो अपना शिला तुलसी का हमने ड्रॉप दे दिया है सबको, ये शिला तुलसी का ड्रॉप ही मुँह में डाल लें ऐसे। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, चलिए स्वामी जी, बहुत सारे परेशानियों का निवारण हम आपसे पूछ चुके हैं, हल आपसे समझ चुके हैं। अब ये तो दर्शकों पर निर्भर है कि वो कितना फायदा इससे उठा सके, कितना योग अभ्यास कर सके, प्राणायाम और आयुर्वेदिक उपचार वो ले सके। अब दर्शकों के सवालों की बारी है। पहला सवाल राधे श्याम का है, कितना अच्छा नाम है उनका। तो राधे श्याम पूछ रहे हैं कि 4 महीने से उनकी पत्नी को बुखार है जो उतर ही नहीं रहा, जांच में कुछ निकलता ही नहीं, अब ये बुखार कैसा है और ये कैसे उतरेगा स्वामी जी? तो राधे श्याम जी की पत्नी सहित सबके लिए बता देता हूँ, ज्वरनाशक क्वाथ, ज्वरनाशक वटी, गिलोय घनवटी, सुदर्शन घनवटी, जो भी उपलब्ध हो जाए उसी को ले लेना। ज्वरनाशक क्वाथ पीने से भी ज्वर ठीक हो जाता है, सुदर्शन चूर्ण खाने से, सुदर्शन घनवटी से, ज्वरनाशक वटी से, गिलोय से, गिलोय और तुलसी का काढ़ा पीने से, उसमें थोड़ा लौंग और मिला ले, गिलोय तुलसी लौंग का काढ़ा पीने से बुखार अच्छा हो जाता है। रात को गोधन अर्क, रात को गोधन अर्क 4 चम्मच 1 चम्मच मधु डाल करके थोड़े गुनगुने पानी में मिला करके पीने से ज्वर अच्छा हो जाता है। जिनका बहुत ही लीवर खराब होता है उनको फिर क्रोनिक ज्वर होता है, उतरता नहीं है, तो थोड़े दिनों तक सर्वकल्प क्वाथ पी ले, सर्वकल्प और ये ज्वरनाशक क्वाथ 50-100 रुपये की दवाई में बुखार परमानेंट ठीक हो जाता है। बातें छोटी छोटी हैं, और लीवर कमज़ोर हो तो अनार, वीट ग्रास, चुकंदर, चुकंदर, गाजर, अनार, वीट ग्रास, एलोवेरा, इसका जूस सुबह शाम पी ले, हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा और लीवर पूरा हेल्दी हो जाएगा। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बुखार परमानेंट उतर जाएगा। राधे श्याम जी के साथ बहुतों के घर परिवार में ये समस्या है, तो सबका समाधान बता दिया है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, राधे श्याम के बाद स्वामी जी अगला सवाल रानू का है। रानू कह रही है कि वो प्रेग्नेंट हैं और डायबिटिक भी है, ऐसे में कौन सा योगाभ्यास वो करें ताकि उनका शुगर कंट्रोल रहे? मंडूक आसन, योग मुद्रासन तो वो कर नहीं सकती हैं, तो इसके अलावा और कौन से आसन करें जानना चाह रही। तो वो क्या कर सकती है, एक तो लंबे श्वास लें, चलो ऐसे लंबे श्वास लेने से डायबिटीज़ अच्छी होती है, कैंसर अच्छा होता है, वेट कम होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। लंबे श्वास लेने से पूरी बॉडी रिपेयर होती है, बॉडी के सेल्स रिपेयर होते हैं। तो वो मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिट, इम्यूनोग्रिट गोल्ड ले ले, मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड, या इम्यूनोग्रिट वटी दो, या इम्यूनोग्रिट वटी गोल्ड हो तो एक, मधुनाशिनी और इम्यूनोग्रिट एक एक गोली खाली पेट, और खाने के बाद मधुग्रिट एक एक गोली, और ये भस्त्रिका प्राणायाम करें, कपाल भाती छोड़ दें, 10-15 मिनट भस्त्रिका, और आधा घंटा अनुलोम विलोम करें, और मधु ग्रिट की ही बस्ती ले लें, खीरा करेला टमाटर का जूस गिलोय के साथ, इसी का ही थोड़ा सा एनिमा ले लें, ज्यादा नहीं, 100 ग्राम लेकर के मूलबंध लगा लें, और मूलबंध लगाने से पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है,
और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत कर लेंगे, उनकी शुगर 3 दिन में ही ठीक आ जाएगी, दोबारा आपको फ़ोन करके बताएंगे। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ को एलोपैथी की दवाओं से बचना चाहिए, कोई भी हो। शुगर हो तो ये उपाय बताया, बीपी हो तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिड हमने खूब प्रयोग किया है पिछले 30 सालों में, और थायराइड हो तो थायरोग्रिड और उज्जायी प्राणायाम और ये पॉइंट दबा लें, और शुगर के लिए पॉइंट भी दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न ले लो आप, ये शुगर का पॉइंट है, बाएं हाथ में बाएं पैर में। अगला सवाल साक्षी का है। स्वामी जी, 12 साल की बेटी की हड्डियों से आवाज आती है, भुजंग आसन करने पर भी हड्डियों से जॉइंट से आवाजें आती हैं, एक तो पहले तो ये बताएं कि कोई डेफिशिएंसी की वजह से है, और इसे फिर दूर कैसे करें? अच्छा स्वामी जी, ये अमूमन ज्यादातर लोगों की परेशानी है, डी B12 की, कैल्शियम की। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं आप मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और ये छोटे बच्चों से ये खटखट की आवाज़ शुरू हो जाती है, शुरू में तो चेक कराते तो डेफिशिएंसी नहीं आती, लेकिन ये अंदर होती है। कोई भी बीमारी पहले सूक्ष्म शरीर में होती है, स्थूल शरीर में, 3 शरीर हमारे, स्थूल सूक्ष्म कारण, सूक्ष्म शरीर में पहले बीमारी होती है, 5 साल बाद स्थूल शरीर में आती है, और कारण शरीर में तो जेनेटिक डिजीज होती होती है। तो खैर, तो वो क्या करें, धूप में बैठ करके हमारे साथ प्राणायाम करें, न्यूट्रिला डी और विटामिन B12 ये सब ले लें, बोन हेल्थ ले लें थोड़ा सा, और गिलोय की गोली खा लें। गिलोय की गोली अंदर से, गिलोय की गोली या गिलोय का क्वाथ अंदर से हड्डियों को मजबूत बना देती है, या कुछ दिन लाक्षादी गुगल आधी आधी गोली दे दे बच्चे को, 1 सप्ताह में खटपट बंद हो जाएगी, 1 महीने में पूरी ठीक हो जाएंगी, और बाद में धूप में बैठा करके प्राणायाम कराते रहेंगे तो 100 साल तक उनकी हड्डियाँ मांसपेशियाँ सब मजबूत रहेंगे। ये बहुत जरूरी बात मैंने बता दी जी। स्वामी जी, सवालों से आगे बढ़ते हुए अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। स्वामी जी, किचन में मिलने वाले मसालों के गुण हर रोज आप बताते हैं, उनके क्या फायदे हैं उसके बारे में हर रोज आप बताते हैं, लेकिन आज से हर दिन एक मसाले के फायदे और उसे कैसे हम अपने खाने में प्रयोग करें, उससे क्या बनाएं, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। तो आज सबसे पहले धनिया की बात करते हैं, धनिया की बारी है, तो मौसम भी हरा भरा है, धनिया का है, तो आज धनिया के तमाम फायदों के बारे में बताइए और कैसे वो हमारी सेहत को बेहतर कर सकते हैं ये भी बताइए। धनिया तो ऐसे ही चबा के खा लेते हैं ना, इतना अच्छा लगता है, और ये पेट के लिए, गट बैक्टीरियाज के लिए, लीवर के लिए, आंतों के लिए, और धनिया का जो बीज होता है किडनी के लिए अद्भुत होता है। और इसका कैसे उपयोग करें, तो देखो धनिया का बीज तो रात को भिगो दिया और सुबह इसका पानी पी लें, और जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो तो करीब 20-30 ग्राम धनिया रात को भिगो के 2 किलो पानी में, और जब ये करीब आधा किलो बच जाए तो थोड़ा थोड़ा करके इसको 5-7 बार में पी लें, फिर धनिया का जूस बना करके इसको पी लें। और अगली बात जो है, धनिया इसको सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करना है तो 2 चम्मच गाय का घी लिया, और उसके अंदर थोड़ा सा मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े थोड़े, ये सारी चीज़ें इसमें, ऐसे साबुत धनिया भी डाल सकते हैं इसमें, किसी किसी को बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बंधानी हींग, ये पतंजलि का हमने हींग भी एकदम प्योर उपलब्ध करा दिया है। और इसमें अब आलू जो है बहुत लोगों को पसंद होता है, अब अकेला आलू खाएंगे तो बीमारी का घर है, लेकिन इस आलू में यदि धनिया डाल देते हैं, अब देखो एक तो धनिया आप ऊपर से ऐसे डालते हो, अब 2 तरह से आप धनिया डाल सकते हो, किसी को, अब हमने तो आलू ये पहले से भून के रखा हुआ था तो ये तो एक तरीका हो गया, अब दूसरा किसी को धनिया के पेस्ट के साथ भी बनाना हो तो चटनी भी, ऐसे धनिया का पेस्ट भी डाल सकते हैं, तो एकदम तरीदार जो है ये आलू तैयार हो जाएगा। और ये अब तैयार हो गया आलू, अब इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालें, ज़्यादा नमक नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा नमक हेल्थ के लिए खतरनाक है। किसी को प्याज डालनी है, लहसुन डालना है, हरी मिर्च डालनी है तो इसको भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये
किसी किसी को प्याज का, किसी को थोड़ा अदरक का और हरी मिर्च का, ज़्यादा हरी मिर्च डालने से बवासीर हो सकती है, और टमाटर का। अब ये डाल करके इतना बढ़िया तैयार हो गया है ये रेसिपी, अब जो इसको खाएंगे तो डाइजेशन के लिए, लीवर किडनी के लिए बहुत ही अच्छा, और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। तो आज की रेसिपी है, ये कार्यक्रम का जो हम अगला पड़ाव कहते हैं ना, इसको हमें कहना चाहिए कार्यक्रम का स्वादिष्ट पड़ाव पर हम चलते हैं। तो चलिए स्वामी जी, हम जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं कि साल का पहला दिन हमारे लिए क्या लेकर आएगा और योग गुरु स्वामी रामदेव से हम क्या सीखेंगे। 2021 में खूब हमने डराया क्या, कैसा रहेगा अब नया साल 2022, कौन से योगिक और आयुर्वेदिक उपाय आपको बीमारियों से बचाएंगे, नए साल पर स्वामी रामदेव का कमिटमेंट, योग की ABCD से हेल्दी रहने का संकल्प, जरूर जुड़िए कल सुबह ठीक 8 बजे हमारे साथ, योग की ABCD सीखिए योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी मीनाक्षी, और सबसे खास बात, जिन लोगों ने अभी भी शुरू नहीं किया उनके पास आज के दिन एक और मौका है नया संकल्प लेने का, योग की ABCD नए साल से यानी कल से सीखने का। स्वामी जी, तो योग की ABCD भी सिखाएंगे और मन का जो धनिया खाएगा वो धन्य धन्य हो जाएगा, और नए साल पर योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का व्रत दिलवाएंगे और इस देश को स्वास्थ्य में आत्मनिर्भर बनाएंगे। बोलो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ABCD हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें ABCD News Google Play Store या App Store पर।